Hi guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Prati too. And into this video, we are going to talk about the Delhi University internship opportunity, जो recently DU ने अपने portal पे निकाली है. This information is going to be extremely exclusive, and most importantly, इसमें आपको stipend मिल सकता है up to 10,000 per month. So it's one of the really good way to invest your time and to get money during this summer. In order to know more, just watch this video till the end. And here, let's get started with this one. अगर आप हमारे चैनल पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, हियर इज माय क्विक सजेशन. यू कैन फॉलो अप ऑन टू आवर इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ, सो दैट यू कैन जस्ट स्टे अप टू डेट. लेट्स टॉक अबाउट दिस इंटर्नशिप. ये इंटर्नशिप क्या है? बेसिकली DU को, जो DU के स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपको गर्मियों की छुट्टियाँ तो मिलती हैं. आपके जैसे एग्जाम्स हो जाएंगे, यू विल गेट ऑफ फॉर अबाउट वन मंथ और वन एंड हाफ मंथ. तो उस पीरियड के दौरान आप खाली ना बैठ करके वाइस चांसलर स्कीम के तहत जो इन्होंने इंटर्नशिप निकाली है फॉर DU स्टूडेंट्स, आप वो कर सकते हैं. लेकिन हाँ, ये इंटर्नशिप सिर्फ और सिर्फ DU स्टूडेंट्स के लिए भी है. अभी करना क्या होगा आपको इस इंटर्नशिप में? पहली बात तो ये, आप वाइस चांसलर के ऑफिस में काम करेंगे एज एन इंटर्न. आपको स्टाइपेंड मिलेगा अप टू 10,000, विच इज़ यू नो अ बिग डील. एंड सेकेंडली, इसके लिए आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, इट्स टोटली फाइन. इट्स जस्ट दैट आपको तीन बातों का ध्यान रखना है. इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप, 17 मई से पहले पहले आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 17 मई इसकी डेडलाइन है. यू शुड हैव अ रिकमेंडेशन लेटर. अब आप रिकमेंडेशन लेटर किससे लाएंगे? आप अपने कॉलेज प्रोफेसर से पूछ सकते हैं. एंड यू नीड टू हैव अ सिग्नेचर फ्रॉम योर कॉलेज प्रिंसिपल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. यू नीड टू सबमिट योर मार्कशीट एज वेल. जो भी आपकी सेमेस्टर के एग्जाम हुए हैं, लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम, उसकी आपको मार्कशीट सबमिट करनी होगी. एंड दीज आर द बेसिक थिंग दैट वुड रिक्वायर इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप. अब वो किस बेसिस पे लेंगे, दैट डिपेंड्स एंटायरली लेटर ऑन आपको वो मिलेगी या नहीं. अगर आप ये वाली इंटर्नशिप ऑलरेडी कर चुके हैं, देन आई एम सो सॉरी दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी द चांस फॉर यू, बिकॉज ये वाली इंटर्नशिप, DU की इंटर्नशिप, आप ये सिर्फ एक बार ही कर सकते हो इन टू योर इंटायर ग्रेजुएशन पीरियड, क्योंकि बाद में वो फिर नए बच्चों को मौका देते हैं. तो आप कर चुके हैं तो यू कैन टोटली स्किप दिस पर्टिकुलर वीडियो. अब कुछ बातों का जो आपको ध्यान रखना है, ये स्टार्ट कब होगी? देखो, 17 मई तो इन्होंने डेडलाइन रखी है, तो ऑब्वियसली अभी तो नहीं हो रही है. आफ्टर अ वाइल, मोस्ट प्रोबेबली जून एंड जुलाई के बीच में होगा, तो ईजिली आपको एक महीना मिल जाएगा एंड यू कैन जस्ट फोकस ऑन टू दिस इंटर्नशिप. थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वॉन्ट टू टेल टू यू ऑल दैट यू कैन अप्लाई फॉर दिस वन इज दैट, पहली बात तो ये इंटर्नशिप अगर आप DU के स्टूडेंट हैं बट रेगुलर नहीं है, तो आपके लिए नहीं है. यानी कि सोल और NC वेब स्टूडेंट वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं. दूसरी बात, इस इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ना हो. मतलब अगर आप सोच रहे हो कि हाँ अभी तो हम सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप नहीं कर सकते उसके लिए अप्लाई. यू शुड बी स्टूडेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर, एंड थर्ड गोज फॉर इट एज आई डिस्क्राइब इन द वेरी बिगनिंग. आप इस इंटर्नशिप को नहीं कर सकते अगर आप ये ऑलरेडी कर चुके हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट किसी भी कोर्स से, किसी भी कॉलेज का स्टूडेंट इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है. यू विल गेट अ चांस फॉर दिस वन. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डाल रही हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो DU की ऑफिशियल वेबसाइट पे. इनफैक्ट फॉर्म फिल कर सकते हो, अप्लाई तो कर ही देना, दैट वुड बी बेटर. एंड उसके लिए सबसे पहले रिकमेंडेशन लेटर लिखो. और रिकमेंडेशन लेटर आप यू ही इंटरनेट पे फॉर्मेट फाउंड आउट करके नहीं लिख सकते हो. इन ऑर्डर टू राइट दी रिकमेंडेशन लेटर, यू नीड टू चेक आउट दी DU स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आपको VC प्रेस्क्राइब करता है. वो भी आपको DU की वेबसाइट पे मिल जाएगा. अगर नहीं मिलता, यू कैन सिंपली टेक्स्ट टू मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू दैट पर्टिकुलर लिंक. तो आपको वही फॉर्मेट में अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखना होगा, एंड देन आपको आपके प्रिंसिपल के सिग्नेचर लेने होंगे, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, बिकॉज वो आपसे डॉक्यूमेंट तो मांगेंगे ही. एंड जस्ट आप अपनी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट जो है वो रेडी रखिएगा इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर इट. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट द इंटर्नशिप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अभी ना वैकेशन आ रहा है एंड बहुत आपको खाली समय भी मिलेगा, उसको यूटिलाइज कैसे करें, आई हैव मेनी वेज टू हेल्प यू ऑल, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन टू दोज थिंग्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हिट दी लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड शेयर विद रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ अ दिल्ली यूनिवर्सिटी. बाय बाय फॉर नाउ.